नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ अरिशा व्लॉग। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ पकौड़ों के लिए, क्योंकि आज फिर भिंडियाँ बन रही हैं, तो मैंने सोचा कुछ साइड में बना लूँ। तो साइड में बनाने के लिए मैंने सोचा पकौड़े ही बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनाए, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने एक कप ले लिया है बेसन, और उसे मैं छान लूँगी अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो पकौड़ों का जो बैटर है, जो घोल है पकौड़ों का, वो अच्छी तरह से बन जाए, कोई गुठलियाँ ना बने। और मुझे लग रहा है ये एक कप थोड़ा कम पड़ेगा, तो इसलिए मैं आधा कप और भी सोच रही ऐड कर लूँ। और यहाँ मैंने आधा कप और बेसन ऐड कर लिया है, ताकि कम ना पड़े। हालांकि खाने वाले तो इतनी ज़्यादा नहीं है हम, मगर ये कि पकौड़े अगर बनते हैं तो क्योंकि कभी कभार ही बनते हैं, तो थोड़े ज़्यादा ही खा लिए जाते हैं, और बच भले जाए मगर कम ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। क्योंकि घर में जितने भी अफराद हैं, वो सभी लोग पकौड़े शौक से खाते हैं, और बाज़ार के पकौड़े के मुकाबले में घर के पकौड़ों को तरजीह देते हैं, क्योंकि बाज़ार के जो पकौड़े होते हैं, जो वो उनमें आयल बहुत पुराना यूज़ किया जाता है अक्सर जगहों पर, जो कि सेहत के लिए ऑब्वियसली अच्छा नहीं होता। और यहाँ मैं घोल बना रही हूँ, और पानी में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सही बनी रहे, ज़्यादा पतला ना हो पाए। बस इतना पानी इसमें काफ़ी है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हम डालेंगे इसमें वो भी पानी छोड़ती हैं, जैसे कि एक अदद आलू भी डाल देंगे इसमें, उसको बारीक काट के, और प्याज भी डालेंगे बारीक काट के। और बेसन हम बना के रख लेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे में ये सेट हो जाएगा। और अभी फ़ौरन ही अगर इसके पकौड़े बनाएंगे तो इतने अच्छे नहीं बनेंगे, तो गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्योंकि सर्दियों की आमद आमद है, और सर्दियों की आमद का पता चलता है नज़ला ज़ुकाम गले की ख़राबी से। तो चाहे हम कितने भी एहतियात करें, ये छोटी मोटी चीज़ें तो हो ही जाती हैं। और ये हमारा घोल तैयार है, बैटर तैयार है, इसमें हम डालेंगे। और इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे, ये हरी मिर्च है, दिख रही पता नहीं, ये हरी मिर्च है, लहसुन है, और प्याज, और बाद में अगर हमें लगा कि घोल हमारा पतला हो गया तो हम दूसरा बेसन, मतलब थोड़ा और बेसन डाल देंगे, और अब लगा कि मोटा हो गया है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये बेसन मतलब पकौड़े के घोल की ये अच्छी बात है कि हम इसे पतला हो तो भी एडजस्ट कर सकते हैं, और मोटा हो तो भी इसको हम सही कर सकते हैं। तो अब इसमें बाकी चीज़ें हम डालेंगे, जैसे नमक, मिर्च और ज़ीरा, और इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे, ज़रूरत भी नहीं होती इसमें ज़्यादा चीज़ें डालने की। और मिर्ची थोड़ा तो कम ही डालूँगी, क्योंकि ताकि बच्चे भी खा सकें, बस इतनी ही मिर्ची डालूँगी, और ये भी मुझे लगता बहुत होगी। और ये एक छोटा चम्मच ज़ीरा जाएगा, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और नमक थोड़ा तेज़ ही अच्छा लगता है पकौड़े में, कम नहीं। और मैं आलू को कद्दूकश करूंगी और पानी में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद सारा पानी निकाल के फिर इसमें शामिल, मतलब ऐड कर लूंगी इस घोल में। और पानी में डालने से ये होगा कि आलू हमारे जो एक काला काला सा पानी छोड़ते हैं ना, वो नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए इसको पानी में कर, मतलब कद्दूकश कर रही हूँ, फिर इसका सारा पानी निकाल के फिर इसको मैं ऐड करूँगी, ताकि हमारा जो बैटर है, घोल है, वो काला सा ना पड़े। और बस मैंने एक आध मिनट रखने के बाद इसको मैंने पानी से निकाल दिया है,
सारा पानी इसका मैंने निचोड़ के उसके बाद हम मैंने ऐड कर लिया था इसको पकौड़ों के घोल में। और यहाँ मैंने एक चम्मच इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल दिए थे और ये ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी, डालें ना डालें, मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं डाल देती हूँ क्योंकि इससे पकौड़े थोड़े ज़्यादा थोड़ा फ्लफी से बनते हैं। और यहाँ मैंने आधे चम्मच से भी कम यानी कि तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने क्या कहते हैं बेकिंग सोडा वो भी डाल दिया था क्योंकि उसी से पकोड़े हमारे फूलते हैं। और ज़्यादा मैं नहीं डालती क्योंकि थोड़ा सा उस पर कड़वा कड़वा सा एक ना टेस्ट आता है, अगर ज़्यादा डालें तो पकोड़े फूले हुए अच्छे से बनते हैं मगर टेस्ट उनका थोड़ा कड़वा सा आ जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम डालती हूँ, कम में भी अच्छे ही बनते हैं। ऐसे हम आधे घंटे के लिए रख लेंगे ढक के, उसके बाद जब तक हम दूसरा काम करते हैं, और अभी तक मैंने बर्तन भी नहीं धोए तो वो बर्तन धो दूँ मैं, उसके बाद मैं इसे करूँगी फ्राई। और हमारे भिंडियाँ भी तैयार ही हैं और यहाँ पकौड़ों के घोल के साथ साथ मैं ये भिंडियाँ भी बनाने जा रही थी और भिंडियाँ भी ऑलमोस्ट तैयार हैं, मगर अभी थोड़ी सी कसर रहती है हमें, तो 5 मिनट के लिए और इनको रखेंगे जब तक हम कोई और काम कर लेते हैं। और अब हम आ चुके हैं फिर से किचन में, आधा घंटा हो चुका है हमारे थोड़ा पतला लग रहा है, बना के देखते हैं अगर पतला है ज़्यादा तो फिर कुछ और बेसन इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल और ये पकौड़े हम बनाएंगे सरसों के ऑयल में क्योंकि पकौड़े सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और तेल हमने डाल दिया, तेल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे पकौड़े। और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम चेक करेंगे, हाँ बिल्कुल परफेक्टली गर्म हो चुका है। और अब हम शुरू करेंगे अपने, और यहाँ हम अपने जो घोल है वो एक चम्मच से निस्बतन थोड़े बड़े चम्मच से ऐसा ऐसा हल्के हाथों से डालेंगे ताकि तेल हमारा उड़ने ना पाए। और अब हम पीने हाथ पलटेंगे हल्के हाथों से, आप कितना भी बचाएं हाथ को कि बेसन आपका गिरने ना पाए मगर गिर ही जाता है। और जब मैं कोशिश करती हूँ कि बेसन इधर उधर ना गिरे तब तो लाजमी ही गिरता है, जैसे कि अभी भी साइड में थोड़ा सा गिर गया है, बाद में इसको साफ कर लेंगे। आम तो पर इससे थोड़ा सा वो थिक होता है मगर पतला मैंने इसलिए किया है कि थोड़ा पतला, इतना पतला होता है तो ये जो हमारी जो ये पकोड़े हैं पकोड़ों वाली कचौरियाँ ये काफ़ी सॉफ्ट बनती है। आज हमने मीडियम से थोड़ी सी कम रखी हुई है ताकि हमारे ये पकोड़े स्मूथली तैयार हो और बीच में कहीं से जो कच्चे बेसन का स्वाद ना आए। और यहाँ हम थोड़ा सा हल्का हल्का सा कट लगाएंगे बीच में ताकि अंदर तक हमारे पकोड़े बिल्कुल क्रिस्पी हों और बीच में कच्चापन जो कभी कभी आ जाता है पकोड़े में बेसन का वो ना आने पाए।
और यहाँ हमारे पकौड़ों का फाइनल स्टेज यानी कि प्लेट में डालने का आ गया है। नहीं, फाइनल नहीं कहेंगे, फाइनल तो होगा किसी खाने का। तो ये है इसका फाइनल लुक और बहुत अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। और उसमें कलर इतना अच्छा नहीं आ रहा, मगर रियल में काफ़ी अच्छा ब्राउनिश सा, काफ़ी खूबसूरत इसका कलर था, टेक्सचर था। और यहाँ हमारे पकौड़े बिल्कुल बनके रेडी थे और भिंडिया भी तैयार थी, बस अब रोटियाँ बनाऊँगी। और आज लंच पर पतिदेव भी थे मौजूद, तो उन्होंने वो दही लेकर आए थे। और जब भी वो घर पर होते हैं लंच टाइम में, तो वो अपने लिए चटनी ज़रूर बनाते हैं, इनको बहुत पसंद है, और ख़ुद ही बनाते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। तो मैंने कहा चलो बना ही रहे हैं तो लगे हाथों वीडियो भी बना ही लें, मुझे व्लॉग में काम आ जाएगी। तो बस यहाँ हरीशा और उसके बाबा दोनों मिलकर चटनी भी बना रहे हैं और वीडियो भी बन रही है। तो चूंकि हमारे पति देव ने काफ़ी अरसा घर से बाहर गुजारा है, पहले पढ़ाई और फिर जॉब के सिलसिले में, तो उन्हें पकाना भी थोड़ा बहुत आता है, तो ये कोशिश कर लेते हैं। और यहाँ बन रही है हमारी चटनी, धनिया पुदीने की, धनिया पुदीना कूटा जा रहा है। बोले इसमें पुदीना, हरा धनिया, उसके अलावा लहसुन के दो चार जो है कलियां, और उसके साथ जो है हमने डाली है हरी मिर्ची, और ये ग्रीन पेस्ट बन गया है दही के साथ। ये बहुत लजीज होती है और ये चटनी अक्सर तो आपको होटलों में मिलेंगी, लेकिन उनसे भी इनका टेस्ट जो है अच्छा है, रायता कहते हैं इसे। इसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे, अब पानी डालेगा, हाँ थोड़ा इसको मेल्ट कर लें, इसमें जो है थोड़ा थिकनेस इसकी जो होती है वो पतला हो जाए, सारा दही जो है वो तमाम चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे पानी, पानी इसमें डल गया है, और पानी को जो है हम इसको जो है साफ कर लेंगे, तो पूरा जो है इसका पेस्ट जो तमाम चीज़ों का हमने जो बनाया है, हरी मिर्ची और धनिया और पुदीना और लहसुन का, वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये जो है और मज़ीद आपको नज़र आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको इसका टेस्ट जो है, इसमें नमक भी पड़ेगा, नमक के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, हंस पे जायका जो है इसमें नमक डालेंगे, नमक इसमें डालेंगे, और नमक हमने डाल दिया है, और नमक के साथ इसका टेस्ट जो है इसमें आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें यहाँ से हटा लेंगे हम, और हमारा जो है रायता जो है, ये पुदीने का रायता जिसको पुदीने की चटनी भी कहते हैं, ये तैयार हो गया है, और कलर इसका आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये मिक्स हो गया है। अभी खाने के साथ इसको सर्व करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये खीरे के साथ भी आप खा सकते हैं, हाँ ये खीरे के साथ भी खा सकते हैं। और बस इसके साथ ही हमने लंच कर लिया था, और पकौड़े कम इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि चखने चखने में ही ख़त्म हो गए थे। और देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।